बाबू का इलाज होना चाहिए कि नहीं? यस होना चाहिए, होना चाहिए। देख लीजिए, एक छोटी सी बहन अपने भाई के लिए रो रही है और उम्मीद कर रही है कि इसका इलाज किया जाए। बहुत ज्यादा गरीब है और इसका इलाज किया जाए, इसका इलाज किया जाए। बस मैं भी कहूंगा कि इसका जल्द से जल्द इलाज किया जाए। उसके घर इतना नाजुक है, चर्चर को बेटी है, जमीन जितना था बेच दिया। आप घर में इसको जांच करिए, खाली 2 कट्ठा जमीन है, कुछ बेचारी पास नहीं बचा है। मेरा पड़ोसिया है, इसके दामाद भी आता है ना, खर्चा उठाने के लिए ताकत नहीं बेचारी पास, लेकिन ये बच्चा जो ना इलाज होता, पैसे नहीं है। तो मीडिया का देन है जो उनका आँख खोल दिया। बाकी तो कुमकर्णी निंद्रा में सोए रहते हैं जी। बाकी कुमकर्णी निंद्रा, ये भी बच्चा रोने लगा। मत रो बाबू, तुम्हारा अब जल्द से जल्द इलाज होगा। सब लोग देख रहा है, तुम्हारा इलाज होगा, तुमको भी सपोर्ट मिलेगा और तुम भी पढ़ोगे। पढ़ोगे ना? पढ़ के क्या बनोगे? शिक्षक बनोगे? कुछ भी बनेगा, लेकिन आप बनोगे और आगे बढ़ोगे। आपका आँख का इलाज होगा और आगे बढ़ोगे, ठीक है? दर्शकों, आप लोग जो है जितना ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर कीजिए। इसलिए मत कीजिए कि मेरा वीडियो पे व्यू आएगा, इसलिए कीजिए कि ये संदेश जो है सब लोगों के पास जाएगा। जिस तरह सोनू कुमार फेमस हुआ और उसको सहायता मिल रही है, जिस प्रकार सीमा कुमारी फेमस हुई और उसको सहायता मिल रही है, ठीक इसी प्रकार जितेंद्र भी, जितेंद्र फेमस ना हो जरूरी नहीं है, बस इसका इलाज हो जाना चाहिए। आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं बना हुआ हूँ सीमा के घर पे और हमारे साथ जो है सीमा के घर पे हूँ और हमारे साथ जो है जितेंद्र की माँ है। पिछले वीडियो में आपने देख लिया था, जितेंद्र जी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना अब जितेंद्र जी के माँ से थोड़ा सा बात किया जाए। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और लास्ट में शेयर कीजिएगा, नहीं तो चूड़ी पहन के घर पर बैठ जाइएगा, ठीक है? अगर देखना होगा तो देखिएगा, मैं इनसे बात करने वाला हूँ। और सबसे ज़्यादा आवाज़ और सबसे ज़्यादा मुद्दा और बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो बच्चा है आप देख रहे हैं, इसकी हालत काफ़ी ख़राब है। इसके ऑपरेशन की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? सवाल ये है, इसके आँखों के इलाज की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अगर ये बच्चा बिना आँख का ABCD पूरा सुना सकता है, तो अगर इसके दोनों आँखें सही हो जाती है तो ये कन्फर्म है UPSC करेगा ही करेगा। क्योंकि कुछ ऐसा भी होता है कि बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और बचपन से ही अगर कुछ दिमाग में डाल दिया जाए तो बड़ा होते होते उस चीज़ को ज़रूर पूरा कर देता है। तो मैं जो है जितेंद्र के माँ से बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि जितेंद्र के आँखों का क्या हुआ है और इसका ऑपरेशन और इलाज काहे नहीं हुआ है। इंडियन टाइम्स न्यूज़ पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूँ कि बउआ का जो आँख कब से खराब है? काफी जन्मे से खराब। जन्मे से है? हाँ, इलाज उलाज हुआ है कि नहीं? हाँ, इलाज उठा किए हैं सर। किए हैं? हाँ। कोई फर्क और पड़ा कि नहीं अभी तक? फर्क तो यही एक तो खराब जो दिखाई दे रहा वही है अभी, उसका मतलब अच्छा से इलाज नहीं हुआ, देख नहीं पा रहा है? नहीं, नहीं। दोनों आँख से देखता है कि एक ही आँख से? एक ही आँख से देखता है। एक ही आँख से देख पाता है? और कैसे मतलब पढ़ता है, खाता कैसे, घूमता कैसे? एक ही आँख से देखता है, खाता है। दिक्कत नहीं ना होता है? दिक्कत वही आँख खराब आँख जैसे दिक्कत है सर। जी जी जी, मतलब कि बहुत ज्यादा दिक्कत है। आप जी आज जनता से और अधिकारियों से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? गरीब आदमी सर, ना कुछ कर ना सके हैं, 4-5 बेटी है जी, इसलिए ना कर सके, नहीं कर सके, इलाज नहीं कर सके हैं। तो आप क्या उम्मीद करती है लोगों से, क्या उम्मीद करती है? ठीक है, हमरा मदद करते आँख देखेबे अच्छा से। जी जी जी। ना पैसा चलते से बच्चा हमारा अंधर है। जी जी जी, यही बात है सर। जी, अगर मान लीजिए इसका इलाज उलाज हो जाएगा, आँख ठीक हो जाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? हाँ सर लगेगा। हाँ। पापा जी इनके क्या करते हैं? सैलून काम करते। सैलून में काम करते हैं। उससे घर का खर्चा चल जाता है कि नहीं? नहीं, वो नहीं चलता, नहीं चल पाता है। देख लीजिए दर्शकों, परिवार इतना ज़्यादा लो में है, इतना गरीब है कि जो है काम करने के बावजूद भी घर का खर्चा नहीं चल पाता है, तो बच्चे का आँख का इलाज कैसे होगा? अब ज़्यादा ज़रूरी ये हो गया है कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप लोग आगे जाइए, यहाँ के स्थानीय जितने भी मुखिया है, सरपंच है, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं और बाकी जितने आला अधिकारी हैं, आप लोग आइए, बच्चे का भी सहयोग कीजिए ताकि बच्चे का भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके, बच्चा भी पढ़ लिख के आगे बढ़ सके। आपका ये दायित्व होता है कि आप बच्चे का सपोर्ट करें, होता है कि नहीं दायित्व? ये तो मीडिया का देन है जो उनका आँख खोल दिया। बाकी तो कुमकर्णी निंद्रा में सोए रहते हैं जी। बाकी कुमकर्णी निंद्रा, मैं बेबाक इंसान हूँ और बेबाक तरीके से बोलता हूँ। यहाँ के लोगों से भी बात करना चाहेंगे, क्या लगता है कि बाबू का आँख का इलाज होना चाहिए कि नहीं? बहुत गरीब है और बोल नहीं पाया, उसका पापा जो है ना कोई काम नहीं करता है, दो दिन काम करेगा, 3 दिन घर बैठेगा। मेरा सब पड़ोसिया है जी, जस्ट पड़ोसिया है मेरा। उसके घर इतना नाजुक है, चर्चर को बेटी है, जमीन जितना था बेच दिया। आप घर में इसको जांच करिए, खाली 2 कट्ठा जमीन है, कुछ बेचारी पास नहीं बचा है। मेरा पड़ोसिया है, इसके दामाद भी आता है ना, खर्चा उठाने के लिए ताकत नहीं बेचारी पास, लेकिन ये बच्चा जो ना इलाज होता, पैसे नहीं है। इसका पापा 2 दिन जाएगा, 3 दिन के बाद आ जाएगा, इतना लाचार आदमी है वो भी।
और कुछ नहीं करना चाहते। कब से हालत इनका ऐसा है? इनका सर तो हम तो इनका पड़ोसिया है, जब से पैदा लिया था खराब था। दूसरा बात सर इसके साथ ये समस्या है कि पैसे नहीं था, नहीं इलाज होता, इसके पास एक रुपया धंधे नहीं, इलाज ही नहीं हो पाता, पैसे नहीं है, इलाज ही नहीं हुआ। इलाज हुआ, जरिम ने किया है जहाँ तक था, जमीन वमीन बेच बेच के कुछ नहीं बचा। इसका घर एकदम जस्ट बगल में है मेरा, एक बार जाँच लीजिए। बाकी बेचारी पास कुछ पैसा नहीं, जो भी था दो चार बेटियाँ, दो बेटियाँ अभी भी कुमारी है, दो यही बैठी होगी, इसके पास पैसा नहीं, बहुत गरीब परिवार है। इनसे भी कहीं गरीब होगा मैं कुछ चैलेंज देता, ये जो गरीब है ये है, इनसे भी सीमा से भी गरीब आदमी है, ये तो मैं तय करके बोलता हूँ। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को मदद करना चाहिए, डीएम को आए सर उसको भी सबको करना चाहिए, पूरा यहाँ पब्लिक पूछ ले फतेहपुर का है कि गरीब परिवार से है कि नहीं, सबसे पूछिए, हमसे छोड़ दीजिए। क्या पब्लिक क्या कहती है? गरीब है कि नहीं? गरीब है। बच्चे का ऑपरेशन होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? यस सर। इधर पूछना चाहेंगे, बाबू इसको कौन कौन पहचानता है? इसको पहचानती हो? क्या नाम है? जितेंद्र। तुम्हारा नाम क्या है? अनामिका। इसके साथ खेलती हो? खेलती हो? हाँ। इसका आँख ठीक होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर, होना चाहिए। देख लीजिए दर्शकों, एक छोटी सी बच्ची है, अपने दोस्त और सहपाठी के आँख के इलाज के लिए करने के लिए अनुरोध कर रही है। आपका क्या नाम है बाबू? अभिषेक। अभिषेक, आपके दोस्त का इलाज होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर, होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अभिजीत। आपका क्या नाम है? अभिजीत। आपका? अभिषेक। दोनों आदमी का अभिषेक का नाम है? नहीं, अभिजीत। अभिजीत, अभिजीत और अभिषेक। चलिए अच्छा बात है, आपका नाम क्या है? सिटी। इलाज होना चाहिए बाबू का? होना चाहिए। हाँ। तभी तो साथ में खेलिएगा। हाँ। आपका क्या नाम है दीदी? रूना देवी। इनका इलाज होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर, होना चाहिए ना। हाँ। आपका क्या नाम है? पूनम कुमार। बाबू का इलाज होना चाहिए कि नहीं? जी सर। आपका क्या नाम है? पिंकी कुमारी। इनका इलाज होना चाहिए कि नहीं? यस, होना चाहिए। जी कैसे, क्यों होना चाहिए? क्योंकि बहुत गरीब है जी। यस, पड़ोसिया है जी। जी जानते हैं जब शादी करते हैं ये लोग के, तभी पैसा लेकर के शादी करते हैं। दहेज लेकर। देख लीजिए दर्शकों, हटिए तो शादी कर। जी जी जी, हमारे साथ एक लड़की आ गई है जो मतलब रो के अपनी व्यथा सुना रही है। यहाँ पे शादी ब्याह कैसे होता है? यहाँ पे जैसे भी होता है, यहाँ बहुत गरीब है जी। जी यस जी, बाबू का इलाज होना चाहिए कि नहीं? यस, होना चाहिए, होना चाहिए। यस। देख लीजिए एक छोटी सी बहन अपने भाई के लिए रो रही है और उम्मीद कर रही है कि इसका इलाज किया जाए। बहुत ज्यादा गरीब है और इसका इलाज किया जाए, इसका इलाज किया जाए। बस मैं भी कहूंगा कि इसका जल्द से जल्द इलाज किया जाए। ये भी बच्चा रोने लगा, मत रो बाबू, तुम्हारा अब जल्द इससे जल्द इलाज होगा, सब लोग देख रहा है, तुम्हारा इलाज होगा, तुमको भी सपोर्ट मिलेगा और तुम भी पढ़ोगे। पढ़ोगे ना? पढ़ के क्या बनोगे? शिक्षक। शिक्षक बनोगे? कुछ भी बनेगा, कुछ भी बनेगा, लेकिन आप बनोगे और आगे बढ़ोगे, आपका आँख का इलाज होगा और आगे बढ़ोगे। ठीक है दर्शकों, आप लोग जो है जितना ज्यादा हो सके वीडियो शेयर कीजिए। इसलिए मत कीजिए कि मेरा वीडियो पे व्यू आएगा, इसलिए कीजिए कि ये संदेश जो है सब लोगों के पास जाएगा। जिस तरह सोनू कुमार फेमस हुआ और उसको सहायता मिल रही है, जिस प्रकार सीमा कुमारी फेमस हुई और उसको सहायता मिल रही है, ठीक इसी प्रकार जितेंद्र भी, जितेंद्र फेमस ना हो जरूरी नहीं है, बस इसका इलाज हो जाना चाहिए। आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, इलाज होना चाहिए कि नहीं? जी सर, होना चाहिए। यस सर, तो इलाज होना चाहिए, जितना जल्द से जल्द इलाज होगा मैं फिर से बाबू के पास आऊंगा और आप लोगों को वीडियो बना के जरूर दिखाऊंगा कि इलाज हो रहा है। अगर नहीं हुआ तो फिर से रलाई करूंगा आपकी, और आप जो कान में तेल डाल के सोए हुए हैं ना, तो आपकी इतना लड़ाई की जाएगी कि आप लोटा लेके घूमिएगा। बाकी आप दर्शकों हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, इसलिए नहीं कि व्यू आएगा, हमारा संदेश जो है लोगों तक, जन जन तक जाना चाहिए। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज, जय हिंद।